हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे बेटा 11.4 एक्सरसाइज। 11.3 तक हमने देखा कि किस तरीके से हम इनको, जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको हम नंबर्स के साथ में किस तरीके से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन है ना, ऑपरेशन इस टाइप के हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे टी प्लस फोर, यानी कि हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया, बीच में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करनी है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए हमने सीखा। आज हम करेंगे प्रैक्टिकली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, मतलब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट्स या बनाएंगे या फिर हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उसे हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्या है, सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन एमिना। तो ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि सरिता के पास 10 मोर देन मार्बल है एमिना से। तो हमें उसने सिर्फ बोला कि 10 मोर है, हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम लेट कर लेंगे, वेरिएबल हम लेट करेंगे इसमें, लेट एमिना हैव एक्स मार्बल। जैसे हमने 11.1 में हमने लेट किया था, जैसे रोज वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो उसमें नंबर ऑफ रोज हमने एन लेट की थी, तो 5 स्टूडेंट थे एक रो में, तो हमारे पास 5n हो गया था। ठीक है, उसी तरीके से अमीना के पास हमने लेट कर लिया कि एक्स मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं। ठीक है, तो सरिता के पास कितने हुए, एक्स प्लस 10 हुए। क्यों हुए, बिकॉज सरिता हैज 10 मोर देन मार्बल्स एंड अमीना, यानी अमीना के पास एक्स मार्बल थे और सरिता के पास कितने हुए, एक्स प्लस 10 हुए। ठीक है, यानी कि जैसे हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम उसको इस तरीके से उसको एक्सप्रेशन में शो करना है। देखो, बालू इज 3 ईयर्स यंगर देन राजू, राजू है। देखो जिसका कंपेयर करते हैं ना, जिससे कंपेयर करते हैं उसको आप एक्स लेट कर लिया करो, एक्स रे वाई कुछ भी लेट कर सकते हो। तो राजू की एज हमने लेट कर ली एक्स ईयर्स, तो बालू की एज कितनी होगी, देखो यंगर है वो, छोटा है उससे, तो बालू की एज कितनी होगी, एक्स माइनस 3 ईयर्स होगी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं 11.4 की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर द फॉलोइंग। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास ए में, सरिता प्रेजेंट एज हमने वाई लेट करनी है, उसने बोला टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, व्हाट विल बी हर एज आफ्टर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद कितनी होगी उसकी। तो देखो अभी उसकी कितनी है, प्रेजेंट एज 5 है, प्रेजेंट एज उसकी वाई है, तो 5 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5 हो जाएगी। ओके, व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक, यानी कि 3 साल पीछे कितनी हो जाएगी उसकी, 3 साल पहले, y माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, आगे आप ईयर्स लगा सकते हो। उसके बाद देखो सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज, कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो सरिता की एज के 6 टाइम्स हैं, व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो कितनी होगी, 6 वाई हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल को और नंबर को लिखते हैं तो उनके बीच में हम कोई भी साइन नहीं लगाते, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते नहीं है, प्लस का हो लगा सकते हैं, माइनस का हो लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम सिंपल शो करते हैं 6y। ठीक है, नेक्स्ट देखो सरिता फादर की एज कितनी है, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता इज, देखो क्या है, सरिता फादर इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज, 3 टाइम करो सरिता की एज का, 3y हो गया। ठीक है, 3y हुआ, एंड सरिता फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन, तो कितना है, 5 ईयर्स ज्यादा बड़े हैं, तो 3y प्लस 5 हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया ये कैसे करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम ऑफ द ब्रेथ ऑफ द होल। मैंने अभी आपको बताया था जिसको जिससे कंपेयर कर रहे हो तो उसको आप एक्स लेट कर लो चाहे वाई लेट कर लो। देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन, क्या है, लेस है यानी कि कम है, 3 टाइम द ब्रेथ ऑफ होल, यानी कि हमने 3 टाइम ले लिया एक्स, एक्स मतलब क्या ले लिया हमने, सॉरी यहाँ पे गिवन है कि ब्रेथ आपको बी मीटर लेना है, कितना लेना है बी, तो 3b कितना हो गया, 3 टाइम हो गया बी का, तो क्या है 4 मीटर लेस है, तो 3b माइनस 4 आ गया। ठीक है, बस आपको इसको इस एक्सप्रेशन में ही शो करना है इसको। नेक्स्ट देखो इस तरीके से ई पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सी डी ई पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मतलब क्या कहते हैं कि हमें कुछ हमें क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो हमें हिंट गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, जैसे सलीम स्कोर करता है 8 रन इन अ क्रिकेट मैच, नैलिन स्कोर करता है 8 प्लस 15 रन,
तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस हम इसको कैसे लिखेंगे कि नलिन स्कोर 15 रन मोर देन सलीम, यानी कि 15 रन वो ज्यादा करता है, आर किसके हैं, सलीम के, तो इसके आर प्लस 15 है। तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ क्या है स्टेटमेंट, इनको हमें राइट करना है। देखो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है ₹P, और बुक कॉस्ट कितनी है 3P। नोटबुक की कॉस्ट कितनी है पी, बुक की कॉस्ट कितनी है 3P। तो हम इसको अगर अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 times ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपके आंसर है वो आपको मिल जाएंगे पेज पे, किस तरीके से लिखना है। टोनी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको कैसे राइट करना है। टोनी पुट्स क्यू मार्बल ऑन द टेबल, क्यू करता है, ही हैज 8 Q marble इन द बॉक्स। तो अपने क्या राइट करेंगे इसको, ठीक है, क्या राइट करेंगे अपने, द मार्बल इन द बॉक्स इज 8 times द मार्बल्स ऑन द टेबल। ठीक है, 8 times है टेबल पे तो क्यू है, तो उसके बॉक्स में 8 है, तो कितना है 8 times है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन आप छोड़ देना, थर्ड क्वेश्चन मत करना। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद देखो इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज एन इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि हम उसको इक्वेशन में लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन होती क्या है, जैसे हमने ये एल वाला लिया था, एल का हमने एग्जाम्पल लिया था, एल के लिए हमें 2 mastic चाहिए, एल फॉर्म के लिए 1L बनाना है तो 2 mastic, 2L बनाने तो 4 mastic, 3L बनाने तो 6 mastic, इस तरीके से हमें बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैटर्न था। अब देखो इक्वेशंस क्या होती है, एनी इक्वेशन लाइक द अबव, हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इट इज सेटिस्फाई ओनली फॉर द डिफाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि कोई उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है, और इक्वल साइन होता है हमेशा, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, 2 sides होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो उसके बीच में क्या कौन सा साइन होता है इक्वल का। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल करवा रही हूँ, जैसे x+20 है इक्वल टू 70 है, और यहाँ पे क्या है, यानी x+20 की वैल्यू कितनी है 70 है। अब देखो x × 3 करेंगे, 8 × 3 करेंगे तो ये आपका 24 आएगा। अब देखो इसमें क्या है, x है ना, मतलब कोई भी इक्वेशन होने के लिए क्या क्या अपने बोल सकते हैं कि नेसेसरी क्या क्या है, एक तो हमारे पास वेरिएबल होगा, कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो वो इक्वेशन है। ठीक है, साथ में हमारे पास बीच में साइन किसका होगा, इक्वल का साइन होगा, तभी भी वो क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, और देखो जैसे हमारा ये x+20 है तो यहाँ पे x है और साइन भी इक्वल का है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वेशन है आपकी, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई x नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि साइन इक्वल का नहीं है। n-4 है, n है यहाँ पे, तो ये क्या है हमारे पास, और इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम इक्वेशन का क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 2n = 10 है, 2n = 10 है, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के उधर साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और अगर ये इसके प्लस में होता तो इक्वल के उधर साइड जाता तो माइनस में हो जाता, और अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, और अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और अगर खुद पहले से डिवाइड में तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11.5। इसमें देखो हमें क्या करना है, स्टेट विच द फॉलोइंग्स आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद द वेरिएबल। यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन सी वेरिएबल की इक्वेशंस है, और रीजन भी बताना है हमें हमारे आंसर का। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 = x + 10 x + 7, तो ये इक्वेशन है बिकॉज इसमें x क्या है, वेरिएबल है, साथ में साइन भी क्या है, इक्वल का है। अब देखो ये आपका नो, इसका आंसर नो आएगा बिकॉज यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, ग्रेटर का आ रहा है, तो ये इक्वेशन के लिए ग्रेटर का साइन नहीं इक्वल का साइन होना जरूरी है। सी भी नहीं आएगा बिकॉज इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है एक्स। ठीक है, ये आपका आएगा ई, जो है हमारा एक्स वेरिएबल आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, एक्स वेरिएबल इक्वल का साइन। इस तरीके से आप इसके पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, आपको बताना है यस नो, और आपको अपने आंसर का रीजन देना है। ओके, कौन सी किसमें वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। हमें एक टेबल गिवन है, इसमें थर्ड कॉलम ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, इक्वेशन इसमें वैल्यू फाइंड करनी है।
कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इक्वेशन हमें गिवन है 10y = 80, ये हमें इक्वेशंस गिवन है, और ये वेरिएबल गिवन है। देखो, मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं वो उसकी जो इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं? सेटिस्फाई, यानी कि अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू इस यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये इक्वल के दोनों साइड जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इसको अपने रख के देखते हैं। देखो, यहाँ पे 10y = 80 है। क्या है? 10y = 80 है, और y की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो y की वैल्यू 10 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? y की वैल्यू 10 रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 80, तो ये 10 × 10 कितना हो गया? 100, और ये 80, क्या 100 80 के इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसको आप बता सकते हो 100 is not equal to 80, सेटिस्फाई करता है नहीं करता, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट करोगे तो y की जगह पे आप 8 रखोगे, तो ये आपका 10 × 8 कितना आ गया? 80। तो सेकंड के लिए ये आपका आंसर क्या आएगा? यस आएगा। इस तरीके से टेबल को कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है। आपको यहां से वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर बताना है। लेफ्ट, अगर दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ रही है तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आती तो नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चंस, ईच इक्वेशंस शो दैट द अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो, हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चंस गिवन है ये ब्रैकेट में हमें कुछ गिवन है। देखो, 5m = 60, हमारे पास क्वेश्चन है 5m = 60, और हमें ब्रैकेट में वैल्यूज गिवन है 10, 5, 12 और 15, 12 और 15 गिवन है। और हमें क्या बोला है, हमें कि हमें क्या फाइंड करना है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यानी कि ये जो हमें वेरिएबल गिवन है 10, 5, 12, 15, ये वेरिएबल गिवन है, इन वेरिएबल को एक एक करके हमें इक्वेशन में पुट करना है और कौन सा सेटिस्फाई करता है ये बताना है अपने को, ठीक है। अब देखो, पहले 10 को रखोगे, तो 10 को रखोगे m की जगह पे, तो 5 × 10 = 50, जो सेटिस्फाई नहीं करता, 50 = 60 नहीं होता। नेक्स्ट देखो, 5 रखोगे, 5 × 5 = 25, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता, 12 × 5 = 60 होता है, तो ये थर्ड के लिए इसका यस आ जाएगा, और 15 के लिए इसका आ जाएगा नो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी के पार्ट कर सकते हो। जैसे n + 12 = 20 है, तो इसके लिए 12, 8, यानी n की वैल्यूज आएगी, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा सेटिस्फाई करता है इसके लिए भी। तो देखो, 12 रखेंगे यहाँ पे, 12 + 12 = 24 नहीं करता, 8 + 12 = 20 ये इसका कर रहा है, 20 रखेंगे तो ये आपका 32 आएगा, ये भी नहीं होता, 0 रखोगे तो 12 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। सबके लिए आपको अलग अलग करके देखना है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शंस ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस m + 10 = 16 है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, एक टेबल है, देखो हमें m दे रखी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 10 तक दिया था, आगे हमें इसको कंटिन्यू करना है। अब देखो, हमें m + 10 करना है, यानी कि m था, इसमें 10 ऐड करना है, 1 में 10 ऐड किया, 11, 12, 13, ये पैटर्न बन रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, m = 16, मैंने बताया था 10 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा, तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 16 - 10 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसका भी पार्ट है, तो इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। 3, 4, 5, और यहाँ पे 5t करना है, यानी इसको 5, 5 के मल्टीप्लाई करके जाना है, आ जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो 35/5, यानी 7 आंसर आ जाएगा, ओके। उस तरीके से इसका सी और डी पार्ट है, ये आप कर सकते हो। देखो आगे, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, इसमें देखो रिडल्स है हमारे पास, गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर करना है थ्राइस एंड नो मोर। उसने बोला एक राउंड स्क्वायर में जाओ, उसकी एवरी कॉर्नर को काउंट करो, कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर है, ठीक है, थ्राइस एवरी कॉर्नर, थ्राइस तीन बार काउंट करना है, यानी कि तीन चक्कर लगाने हैं उसको, तीन बार उसको क्या करना है, राउंड लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से करना है। एड एंड ये हो गया 12 हो गया, एड द काउंट टू मी, वो कहता है कि एड द काउंट टू मी, वो कहता है कि मुझे एड भी करो टू गेट एग्जैक्टली 34, यानी कि 34 में से वो कहता है मुझे माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाले रिडल्स भी आप कर सकते हो इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है,
आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, अलजेब्रा क्या होता है, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।